ठीक ठाक था, पर थोड़ा लेंदी था क्योंकि टाइम की लिमिट रहती है, इस चक्कर में थोड़ा दिक्कत आती है। इस बार समय सीमा भी पेपर में कम दी गई आपको? नहीं, समय सीमा तो पहले जैसी ही है, पर पेपर का जो है मतलब ब्रॉडनेस, उसके हिसाब से टाइम कम लगता है। किस तरह का लेट आपको ऐसा लगा कि परीक्षा को पेपर को टाइम कम दिया गया, परीक्षा जल्दी होगी? नहीं नहीं सर, टाइम तो वैसे तो 3 माह का पर्याप्त रहता है, पर वो सिलेबस थोड़ा रिवीजन हुआ था, रिवाइज हुआ था, इस चक्कर में थोड़ा टाइम और मिलना चाहिए। तो किस प्रकार के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा रहे और कुछ डिफिकल्ट पेपर में कहाँ? क्वेश्चन तो मिले जुले रहे सर, पॉलिटिक्स का था, पब्लिक एड का था, सारा मिला जुला रहा। ओके, कहाँ से आप आए? आपका नाम? सुनीता यादव। कहाँ से आए? मैं किशनगढ़ से। RS मुख्य परीक्षा थी जो कि तीसरा पेपर अच्छा पेपर हुआ है और बिल्कुल शांतिपूर्ण पेपर संपन्न हुआ है। किस तरह के क्वेश्चन आए थे? मॉडरेट लेवल का था पेपर। अच्छा, ठीक। पेपर आए थे, कोई समस्या लगी या समय से? नहीं नहीं, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं थी। आप नाम? संजय जानू, नागौर से। पेपर अच्छा है था। किस चीज का पेपर था, कैसा पेपर? आरएसमैन व्यवस्था थी यहाँ पे? आरएसमैन का क्षति व्यवस्था। किस तरह के सिलेबस था? सिलेबस तो बहुत टफ था, करंट से था संबंधित, खेल कूद के भी अच्छे सवाल थे। आप कहाँ से पेपर देने? मैं नागौर से। किसी प्रकार की कोई समस्या? नहीं, कोई प्रकार की समस्या नहीं, अच्छी व्यवस्था है, कैमरा वैमरा शूटिंग वूटिंग अच्छी है। पेपर को लेकर समय सीमा कम है? पेपर नहीं नहीं, तैयारियों को लेकर? तैयारी तो थोड़ी कम ही है, नहीं की मैंने अभी। ठीक, पेपर आपका परिचय कहाँ से? मैं नागौर सुरेंद्र कुमार।